एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। मैं भी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्टर को कुछ भी एडवाइस नहीं करता। ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें यहाँ पे डिविडेंड के तौर पे आपको पैसा मिलता है, जैसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हो और उस स्टॉक्स कई बार आपको डिविडेंड देता है, वैसे ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी डिविडेंड देखने को मिलता है। लेकिन इन्वेस्टर वाकिफ नहीं है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो गलती से ऐसे फंड में पैसा लगा देते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऐसे फंड्स के बारे में जानते ही नहीं है और कोई बात भी नहीं करता है। तो आज के वीडियो के विश्लेषण में होगा क्या, हम जानेंगे कि ऐसे फंड्स में क्या हमें बेनिफिट मिलता है, क्या हमें ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहिए, न्यू इन्वेस्टर को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसे फंड में हमें लॉन्ग टाइम में ज्यादा पैसा बन सकता है और क्यों यहाँ पे मैं ऐसे फंड्स को प्रमोट नहीं करता हूँ, ऐसे फंड्स के बारे में एडवाइस नहीं करता। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करो। डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप एक ऐसे समय का इंतजार कर रहे हो जहां से आपको लमसम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा बन सके, जी हाँ, मार्केट में जहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां से ज्यादा रिटर्न बढ़ने का अगर आप यहां पे सोच रहे हो तो आप हमारा लमसम कॉल प्लान ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं, किस फंड के बारे में बात कर रहा हूं। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इसके बारे में नाम तो सुने होंगे लेकिन ये काम कैसे करता है और ये क्या फायदे का सौदा है कि नहीं, इसके बारे में नहीं जानते। IDCW फंड आपने ये जरूर सुना होगा, जैसे कि निपोन इंडिया स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपोन इंडिया स्मॉल कैप रेगुलर। निपोन इंडिया का रेगुलर और डायरेक्ट का नाम सुना होगा लेकिन आपने बहुत ज्यादा IDCW का नाम नहीं सुना होगा, जैसे कि निपोन इंडिया स्मॉल कैप IDCW। तो इस फंड में ऑप्शन क्या है, आपको कुछ डिविडेंड के तौर पर पैसा मिलता है। अब देखो यहाँ पे कैसे इन्वेस्टर फंस जाते हैं। डिविडेंड का जैसे नाम सुनते हैं तो उनको ये ऐसा लगता है कि जैसे स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है, स्टॉक्स में अगर उस कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो कंपनी अपने साइड से इन्वेस्टर को खुश करने के लिए कुछ डिविडेंड के तौर पर देती है। जी हाँ, अपने प्रॉफिट में से इन्वेस्टर को कुछ यहाँ पे पैसा दी। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, अगर यहाँ डिविडेंड की बात करें, स्पेशली IDCW की बात करें, तो यहाँ पे आप ही का पैसा डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है। मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। न्यू इन्वेस्टर को ऐसे फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। अधिकतर कई बार मैंने देखा है कि कई इन्वेस्टर को कुछ पता नहीं होता है डिविडेंड का नाम सुन करके और वहां पैसा लगा देते हैं। कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि बस 2000 और 5000 डिविडेंड के लिए उन्होंने वहां पे 2 से 5 लाख रुपए लगा दिया। अब IDCW का थोड़ा सा मैं फुल फॉर्म आपको समझा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। और ये फंड काम कैसे करता है, जी हाँ, इससे आपको रिटर्न कैसे मिलता है और डिविडेंड कैसे मिलता है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बारीकी से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने निपोन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, जो निपोन इंडिया स्मॉल कैप का IDCW फंड है। अब हम ये मान लेते हैं कि उस म्यूचुअल फंड का NAV का प्राइस 20 रुपए के करीब में है और आप यहाँ पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। अब 2 लाख रुपए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 10,000 यूनिट आपको मिलते हैं। अब 10,000 यूनिट मिलते हैं म्यूचुअल फंड हाउस के साइड से, यहाँ पे जो डिविडेंड अनाउंस किया गया वो 1 रुपीज पर यूनिट अनाउंस किया गया। अब आपके पास 10,000 यूनिट है तो आपको डिविडेंड के तौर पे 10,000 यहाँ पे मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है, जी हाँ, यहाँ पे जो NAV का प्राइस 20 रुपए था, अब वो आपका NAV का प्राइस 19 रुपए के करीब में हो जाएगा। इट मीन्स कि आप ही का पैसा डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्टर को दे दिए। 20 रुपए का NAV था, 1 रुपए पर यूनिट यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस हुआ। अब 20 रुपए के NAV में से 1 रुपए कम हो गया, अब 19 रुपए NAV बचा और आपका जो वैल्यू देखने को मिला, जो 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू 1,90,000 रुपए रह गया। इट मीन्स कि आप ही का पैसा वो डिविडेंड के तौर पे दे दिए और यहाँ पे इन्वेस्टर को ये लगा कि मुझे तो डिविडेंड मिला, जी हाँ। जबकि स्टॉक्स में क्या होता है, कंपनी जब ज्यादा प्रॉफिट करती है तो अपने साइड से अपने प्रॉफिट में से इन्वेस्टर को कुछ वहां पे देती है डिविडेंड के तौर पे कि इन्वेस्टर खुश रहे। जबकि म्यूचुअल फंड जो IDCW का ऑप्शन है उसमें आप ही के NAV के प्राइस से 1 रुपए डिडक्ट करके और वहां पे आपको डिविडेंड दे दिया गया और आपका वैल्यू भी कम हो गया। अब मैं कंपेयर करता हूं जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है और अगर मैं यहां पे डिविडेंड प्लान, जी हां, जो IDCW है उससे कंपेयर करें तो कितना डिफरेंट होता है आप यहां पे देख सकते हो। मान लो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए किया,
डिविडेंड वाले प्लान में भी और ग्रोथ वाले प्लान में। IDCW को मैं यहाँ पे डिविडेंड प्लान के तौर पे कह रहा हूँ। स्टार्टिंग NAV 10 रुपए का और दोनों में 10 रुपए का यूनिट जो आपको मिला 10,000 यूनिट मिला। जी हाँ, 10,000 IDCW में भी और 10,000 यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में भी। अब NAV एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या था, 15 रुपए, दोनों का 15 रुपए का NAV था। अब डिविडेंड रिसीव हुआ IDCW में आपको यहाँ पे 20,000 रुपए डिविडेंड रिसीव हुआ, 2 रुपए पर यूनिट यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस हुआ, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ में कोई भी डिविडेंड यहाँ पे आपको नहीं मिला। NAV आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिविडेंड दिया गया उसके बाद NAV जो एडजस्ट हुआ वो डिविडेंड प्लान में 2 रुपए घटके 13 रुपए बच गए, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ में यहाँ पे 15 रुपए का वैल्यू देखने को मिला। अब 2 साल में फंड ने जो रिटर्न दिया वो 20% का दिया। अब 20% का जब रिटर्न मिला तो आप देख सकते जो IDCW वाला प्लान है उसका वैल्यू 15.60 रुपए देखने को मिला, जब डायरेक्ट ग्रोथ का प्लान है उसका जो NAV का प्राइस है वो 18 रुपए देखने को मिला। और ऐसे ही ईयरली बेसिस पे यहां पे इन्वेस्टर को डिविडेंड उन्हीं के पैसे को निकाल के दिया जाता है। अब जब उन्हीं के पैसे से डिविडेंड जब निकाल के दिया जाता है तो वाकई में NAV का प्राइस कम होता जाता है। और एक दिन ऐसा देखने को मिलता है कि जो IDCW का प्राइस है वो काफी कम है, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ के NAV का प्राइस काफी ज्यादा है। इसीलिए कई बार आप नोटिस किए होंगे कि निपोन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो डायरेक्ट ग्रोथ का NAV का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो IDCW का यहाँ पे NAV का प्राइस है वो काफ़ी कम है, क्योंकि उसी NAV के प्राइस से डिविडेंड जो है वो निकलता रहता है और आपका जब यूनिट से वो कैलकुलेट होता है तो प्रॉफिट भी कम देखने को मिलता है। हाँ, IDCW में आपको एनुअल बेसिस पे 15% का रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ में आपका जो रिटर्न हो वो 21-22% देखने को मिलेगा। और नुकसान भी है, डिविडेंड अगर सालाना 5,000 से ज्यादा हुआ तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, वो आपके इनकम में ऐड होगा और कुल मिला के वहां आपका टैक्स में भी कुछ पैसा कटेगा। अब एग्जांपल के तौर पे निपोन इंडिया स्मॉल कैप का जो ये IDCW का फंड है इसका NAV का प्राइस 102 रुपए और 5 साल का SIP का रिटर्न 128% है, जबकि निपोन इंडिया स्मॉल कैप का जो डायरेक्ट ग्रोथ का प्लान है उसका आप देखोगे तो यहाँ पे 160 रुपए के करीब में NAV का प्राइस है और रिटर्न 151% तो डिविडेंड के नाम पे आपको बस ऐसा एक मूर्ख बनाया जाता है कि डिविडेंड मिलेगा, जबकि वो आपका पैसा ही आपको दिया जाता है। एनुअल रिटर्न भी कम हो रहा है और आपका वैल्यू भी कम हो रहा है। कुल मिला के ऐसे फंड के सिलेक्शन से आपका नुकसान होगा। जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे को में काफ़ी ज़्यादा ग्रो देखना चाहते हैं, ऐसे फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। और मैंने कई बार देखा है गलती से न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाते हैं और ऐसे फंड में उनको ये लगता है बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, जबकि वहाँ पे उनका नुकसान होता है। जहाँ पे 10 रुपए बनना चाहिए उनको वहाँ पे 6 रुपए और 8 रुपए का ही प्रॉफिट होता है। और इसीलिए मैं ऐसे प्लान को इन्वेस्टर के सामने पिच नहीं करता और ऐसे प्लान को मैं कभी प्रमोट नहीं करता। लंबे समय में यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि डिविडेंड के तौर पे आपको आप ही का पैसा धीरे धीरे दे दिया जाता है और कंपाउंडिंग में बेनिफिट काफ़ी कम देखने को मिलेगा। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आएं। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तभी स्टार्ट करें, फिर लेकिन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय भारत।